नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज खास इस एपिसोड में हम बात करेंगे बेडरूम की। जी हाँ, वो जगह जहां आप सोते हैं, दिन में अच्छा खासा समय आप वहां पर बताते हैं। आखिर बेडरूम कैसा होना चाहिए और क्या कुछ खास ग्रह ऐसे हैं जिनका असर पड़ता है कि आपके बेडरूम में क्या चीज किस जगह पे रखी है, किस तरह से आपको बेडरूम को रखना चाहिए, आपके जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर उसका क्या असर होगा, इस पर विस्तार से हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे परवरिश टिप्स, दिन का शुभ अशुभ समय, जन्मदिन, राशिफल और वो विचार जो हम सबका दिन बना देगा। और ये सब हमें कौन बताएंगे, आप जानते ही हैं। राम राम गुरु जी। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। गुरु जी, बेडरूम को आखिर क्यों खास माने और क्या वाकई इतनी इम्पोर्टेंस है कि ये कैसा होना चाहिए कि जो हमारे जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है? हाँ, बेडरूम के प्रभाव जबरदस्त होते हैं हमारे जीवन पर। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो बेडरूम जितना हेल्दी होगा उतनी हेल्दी नींद होगी, और अगर नींद हेल्दी है तो शरीर हेल्दी रहेगा। इसीलिए बेडरूम बहुत ही सिस्टमेटिक होना चाहिए, उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जिनके बेडरूम्स अच्छे होते हैं उनके चंद्रमा और बृहस्पति अच्छे परिणाम देने लगते हैं, और वही यदि आपकी कुंडली में या हाथ में अच्छे चंद्रमा और बृहस्पति हैं लेकिन आपका बेडरूम खराब है तो उनके प्रभावों में कहीं किसी प्रकार की कमी भी आती है। इसीलिए बेडरूम अच्छा होना चाहिए। अब अच्छे से मेरा मतलब भव्य से नहीं है, अच्छे से मेरा मतलब दिव्य से है, ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज, चाहे छोटा सा क्यों ना हो, छोटा सा, बहुत छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन मैनेज्ड होना चाहिए। कुछ चीज़ें उसमें होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बेडरूम का मतलब जैसे अभी आशा जी ने कहा ना, सोने की जगह। ये मत सोचिएगा कि बेडरूम का तो मतलब होता है शादी के बाद बेडरूम जो बनता है वो, नहीं, जहाँ भी आप सो रहे हैं उस जगह को, जहाँ रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं जिस जगह को सोने के लिए, वो आपका बेडरूम हो गई। तो चाहे वो बच्चे हों, वो बड़े हों, सबके सोने की जगह की आज हम बात करेंगे। बहुत अहम बातें आज गुरुजी हमें बताने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनने वाली बात है। और चाहे आप छात्र जीवन में हो, आप शादीशुदा हो, स्वास्थ्य समृद्धि हम सबको चाहिए, तो और उसके होने का रास्ता किस अहम जगह से जा रहा है उस पर हम विस्तार से गुरुजी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रथम चार राशियों का हाल, उनका दिन कैसा होगा गुरुजी? जी बिल्कुल, मेष राशि, दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मूड ठीक रखना पड़ेगा, आलस्य त्यागना पड़ेगा, तब जाके आपके कार्य बनेंगे। एक सावधानी रखिएगा, घर गृहस्थी में आपकी वजह से कहीं कोई कलह ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है, बड़ा सरल सा एक उपाय है, थोड़ा सा भोजन अपने हाथ से बनाकर किसी जरूरतमंद को जरूर खिला दीजिएगा, और हनुमान जी का नाम लेते लेते अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक कर देंगे। वृषभ राशि, बात बिगड़ते बिगड़ते समझ जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय अच्छा है आपका। आप इस दिन कुछ बड़ा करने की सोचिए, कुछ अच्छा करने की सोचिए, बड़ी लंबी कोई प्लानिंग करिए, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतने की जरूरत है। यदि आपके जीवन साथी हैं तो उनके स्वास्थ्य का और मूड का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए हल्दी और चावल का दान जरूर करिएगा। मिथुन राशि, समय तो आपके लिए अनुकूल है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन धन संबंधी लेन देन बहुत सोच समझ के करने की आवश्यकता है, नहीं तो अचानक कोई ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं जिससे आपका नुकसान हो जाए। सावधानी, अपने सीनियर से, बॉस से, बड़ों से बहुत सोच समझ के तोल मोल के बात करें। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर करने के लिए आपने पके हुए भोजन का दान करना है, तो जी सब ठीक करेंगे। और हाँ, उस पके हुए भोजन में थोड़ा सा अचार रख जरूर दीजिएगा या हरी मिर्च जरूर रख दीजिएगा। कर्क राशि, धन की दृष्टि से यह दिन आपके लिए ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जिन लोगों को कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कफ एकदम बढ़ जाता है, वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक सावधानी, इस दिन अपने कागज वगैरह बहुत संभाल के रखिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने ओम नमः शिवाय का जप करना है, और हो सके तो अभिषेक कर दीजिएगा शिवलिंग का, फिर अपने काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे।
तो जो उपाय गुरु जी ने आपको बताए हैं उन्हें आप जरूर कीजिए, आपका दिन अच्छा होगा और आने से पहले जो विपत्तियां हैं वो दूर भाग जाएंगी। गुरु जी, अब हम आपसे जानेंगे परवरिश टिप। आज हमारे दर्शकों को आप क्या खास बताने वाले? मैंने एक बच्चे को देखा था, दो तीन बच्चों को उस प्रकार से मैं देख भी चुका हूँ पहले भी, तो मैं उनमें एक चीज नोट कर रहा हूँ, उनके ना हाथ कांप जाते हैं जी लिखते समय, कभी कभी कुछ खाते समय, तो उनकी बात करता हूँ। यदि आपके बच्चे के हाथ कांपते हैं तो इसे थोड़ी सी गंभीरता से लीजिए, उसको ताकत की चीजें देनी शुरू कर दीजिए और उसे 5 मिनट का ध्यान कराना शुरू कर दीजिए और उसके दिमाग पर यदि कोई प्रेशर है तो उसे खत्म करने की कोशिश कीजिए और उसे पूछ लीजिए कि दिमाग पर क्या प्रेशर है। कभी कभी जब दिमाग पर बहुत प्रेशर आता है तो हमारे हाथ कांप जाते हैं, बड़ों के भी कांपते हैं, वो तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की आदत अगर ये पड़ गई तो आगे जाके ये नुकसानदेह सिद्ध होगा। तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए अपने बच्चों को और यदि ऐसा कोई लक्षण आपको दिखाई दे तो वक्त रहते ही आप इसके लिए उपाय या कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। अब बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है, गुरु जी उनका साल कैसा होगा? दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। जिनका भी आज जन्मदिन है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत बढ़िया है, जम के मेहनत कीजिए तो बड़े अच्छे परिवर्तन होंगे आपके जीवन में। इतना जरूर है कि कुछ चीजें जो 2018 में हुई हैं वो आपको थोड़ा सा परेशान जरूर करेंगी, लेकिन फिर भी समय अच्छा है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कुछ नया आप कर सकते हैं, कुछ बड़ा आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूं तो भाग्योदय का वर्ष है ये। सावधानी क्या रखनी है? एक तो यह है कोई परिवर्तन आए तो स्वीकारिएगा, आलस्य के चलते या डर के चलते उसे मना मत कीजिएगा, और दूसरी बात अपने घर के बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? आज से एक नियम बना लीजिए, रोजाना अपने इष्ट का नाम लिया करेंगे या उनके मंत्र को जपा करेंगे और गुस्सा नहीं करेंगे, हंस हंस के काम किया करेंगे। देख लीजिए अगर ये दो उपाय कर लिए आपने तो ये 12 महीने आपको कहीं और बड़े ऊंचाइयों पर सेटल करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं बेडरूम के बारे में। आखिर बेडरूम में क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए जिससे पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आए, सब कुछ सकारात्मक हो और सब अच्छा ही अच्छा हो। गुरु जी, बेडरूम से आखिर किन चीजों को हटा देना चाहिए? क्या कुछ ऐसा भी है जो जरूर होना चाहिए? हाँ, क्या क्या हटाना चाहिए पहले वो नोट कीजिए। देखिए, बेडरूम जगह सोने की है, यहाँ आपको बहुत प्रॉपर नींद आनी चाहिए। अगर ऐसी कुछ तस्वीरें वहाँ लगी हुई हैं जिन्हें देखकर आपको कुछ याद आ जाता है और वो आपकी नींद में खलल डालती हैं तो उन तस्वीरों को वहाँ से हटा दीजिए। इसीलिए कहते हैं कि मृत लोगों की तस्वीरें बेडरूम में नहीं होनी चाहिए, उसका और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि कभी मान लीजिए आपके भाव किसी रात अलग किस्म के हैं, उन्हें देखा, उनकी याद आई, और तो कुछ हो नहीं सकता, आपका मन व्यथित हो गया, नींद डिस्टर्ब हो गई। नींद डिस्टर्ब होने से आपकी एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है और अगर ये लगातार होता रहेगा तो एफिशिएंसी पे फर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। एक बात। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को बड़ी डरावनी सी चीज़ें पसंद आती हैं, ये हकीकत है, बेडरूम में वो मत रखिए। एक और चीज़ है आजकल चल रहा है, मैं बड़ी हिम्मत बटोर के कह रहा हूँ, आपको चीज़ ना पसंद आए तो माफ़ कीजिएगा। आजकल एक मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, ट्रेंड चल रहा है कि पति पत्नी के बीच में प्यार पनपाने के लिए राधा कृष्ण का झूला झूलते हुए चित्र बेडरूम में लगाइए। आप खुद सोच के देखिए, इससे आपके आपके जीवन साथी के जीवन में प्यार कैसे उत्पन्न होगा, आप दोनों में सौहार्द कैसे उत्पन्न होगा। और राधा माँ और भगवान श्री कृष्ण, हाँ, देवी राधा और भगवान कृष्ण, इनके वो संबंध कहाँ है? तो इस प्रकार की बातों में ना उलझे। अपने इष्ट का चित्र आप लगा सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार का कोई चित्र लगाने से कोई बहुत फर्क पड़ेगा वो बहुत सही नहीं है। बल्कि मुझे तो ये गलत इसलिए भी लगता है कि उधर आप पाँव करके सोएंगे, जहाँ हमारी देवी हमारे भगवान है वहाँ पाँव करके सोएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हटाएंगे तो अच्छा रहेगा। सर के ऊपर
अगर बड़ी बड़ी अलमारियां खड़ी हैं या सर के ऊपर कोई बड़ा सा सिरहाना रखा है या सर बहुत भारी कर रहा है जो चीज़, या सर के इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें घेरे हुए हैं ऊंचाई पर, इसे हटा दीजिएगा। लोहे की बहुत सारी चीज़ें यदि आपके बेडरूम में है तो हटा दीजिएगा, और यदि आपका सर किसी लोहे के बीम के नीचे आ रहा है तो अपने बेड की दिशा बदल दीजिएगा। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कई बार भाव भी जुड़ा होता है ऐसी वस्तुओं से, लेकिन उनको वहां नहीं होना चाहिए। तो आपने ये बातें गांठ बांध के रखनी है जो गुरुजी ने आपको बताई हैं, जो कि एक स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। गुरुजी, अब वक्त हो गया है दिन का शुभ शुभ समय जानने का, वो क्या रहेगा? तो मैं आपको पहले अशुभ समय बताता हूँ, फिर शुभ समय बताऊंगा। पहला दो मुहूर्त होगा 10:47 से लेकर 11:30 तक, और दूसरा दो मुहूर्त होगा दोपहर में 3 से लेकर 3:42 तक। गुलिक काल होगा 9:55 से लेकर 11:14 तक। यमगण काल होगा 7:17 से लेकर सुबह 8:36 तक। और राहु काल रहेगा दोपहर में 1:52 से लेकर 3:11 तक। शुभ समय नोट कीजिए। अभिजीत मुहूर्त होगा 12:12 से लेकर 12:54 तक। और अमृत काल रहेगा दोपहर में 12:36 से लेकर दोपहर में 2:03 तक। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो, कोई नया कार्य हो, इस वक्त का ध्यान आप जरूर रखिए जी। और अब बात करते हैं हमारी जो बीच की चार राशियां हैं उनका दिन कैसा होगा। गुरुजी, उनका राशिफल नोट कीजिए। सिंह राशि, आपका दिन थोड़ा सा कमजोर है, मन चलायमान रहेगा, आलस्य में भी आप घिरे रहेंगे और अननेसेसरी भविष्य की चिंता करेंगे, लेकिन इसे बेहतर करने के उपाय हैं, इसलिए चिंता ना करें। बस एक सावधानी बरत लें कि जिस बात को आप अच्छे से ना जानते हो उस बात पर कमेंट मत कीजिएगा, बस इतना सा आप ध्यान रख लीजिएगा, ना उस बात पर लड़िएगा। उपाय क्या करना है, सूर्य को जल दीजिए, सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधिए और देखिए आपका दिन बेहतर करेंगे प्रभु जी। कन्या राशि, अच्छा वक्त है इसलिए जम के इस वक्त का उपयोग कीजिएगा, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बस एक छोटी सी सावधानी अपने स्वास्थ्य को लेकर बरतिएगा। उपाय क्या करना है दिन को और बेहतर बनाने के लिए, ओम गणपताय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। तुला राशि, अच्छा समय है, इस समय का सदुपयोग करने से लाभ होगा, धन की आमदनी आपको हो सकती है, रुका हुआ धन भी कहीं से वापस आ सकता है। बस एक सावधानी, गुस्से में किसी से कोई बात मत कहिएगा, गुस्से में कोई कार्य मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, चीनी का दान कर दीजिए 8 से छोटी कन्या को, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, समय तो आपके लिए अनुकूल है, बस मेहनत बहुत कराए तो कर लीजिए, इस दिन की गई मेहनत के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, किसी का सलाह से मदद से आपका काम भी बनेगा, बस एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन जानवरों से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए, पके हुए भोजन का दान करें, उसमें गुड़ अवश्य होना चाहिए। तो अपने उपाय भी आपने जान लिए जिससे आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम गुरुजी से जान रहे हैं वो ये है कि अपने बेडरूम को आप कैसा रखें। गुरुजी, उसमें क्या और सामान्य चीजें होनी चाहिए जो हम रख के अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? देखिए, सर के ऊपर घड़ी लगाएं, आंखों के एकदम सामने घड़ी मत लगाइए, इससे एक एंग्जाइटी रहती है। बेडरूम में जो घड़ी आपके हो वो टू टू करने वाली या बहुत शोर मचाने वाली या बार बार अलार्म देने वाली नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी आपकी चादर और तकिया हो वो बहुत साफ हो और बड़े करीने से हो, और जो भी उस बेड पर सोता हो वह सुबह उठते ही स्वयं उस चादर को, उस बिस्तर को ठीक करा करे। ये एक ऐसी आदत है जो अगर आप डाल लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। दूसरी बात, बेडरूम में हल्की सी कपूर की खुशबू रात में जरूर जला दिया कीजिए, इसका ये फायदा होगा कि ऑक्सीजन बेडरूम में भरपूर होगी, जिससे आपको नींद अच्छी आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, डरावने सपने नहीं आएंगे। एक और चीज बेडरूम में जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, जो आपके बेडरूम में होनी चाहिए, खास तौर से उन लोगों के जो बहुत डरते हैं या बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत परेशान रहते हैं या बहुत बीमार रहते हैं, वह लोग एक काम करें, क्रिस्टल बॉल आती है तो सफ़ेद क्रिस्टल बॉल या स्फटिक की कोई माला बिल्कुल अपने सिरहाने रख लिया करें, उससे बहुत लाभ होगा, आपको भाग्य में भी मदद मिलेगी, स्वास्थ्य में भी मदद मिलेगी। जिन लोगों को
बेडरूम में डर लगता है, या आप महसूस करते होंगे कुछ लोग बेडरूम में जाते ही लड़ने लगते हैं या उनको चुचड़ाहट होने लगती है, उन लोगों के लिए सफेद रत्ती दाने, गुगची भी कहते हैं, सफेद गुगची के दाने वह सफेद रंग के रुमाल में बांधकर सिर के नीचे लगाकर सो जाया करें। इससे नींद अच्छी आएगी और आपका जो घबराना है या चुड़चुड़ाना है ये भी कम होता चला जाएगा। बेडरूम के अंदर आप एक चीज और रखिएगा, कुछ ऐसे रंग बिरंगे चित्र, और ख़ास तौर से जिसमें सरसों खिली हुई है, बहुत सारे लाल नीले पीले पुष्प खिले हुए हैं, ऐसे कुछ एक चित्र वहाँ पर अवश्य रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। एक चीज बताने का मन और है। जरूर गुरुजी। अपने सर के पास मोबाइल मत रखिए प्लीज। ये बताना सबसे ज्यादा जरूरी था गुरुजी, क्योंकि आज ये एक ऐसी जरूरत बन चुका है जो बेडरूम छोड़िए बाथरूम में भी पीछा नहीं छोड़ता। आज की डेट में हालत ये हो गई है। तो देखा आपने अपने बेडरूम में कुछ छोटी चीजों को आप इधर उधर करके इंक्लूड करके कितना अच्छा आप अपने जीवन को बना सकते हैं और पॉजिटिविटी ला सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंतिम चार राशियों की। गुरुजी उनका दिन कैसा रहेगा? जी धनु राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़ने के अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, आप अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है? सब्जी का दान कर दें, कच्ची सब्जी का, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मकर राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, खूब मेहनत कीजिए, कहीं बाहर घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, कुछ मित्रों से भी आपकी बातचीत हो सकती है जो आपको लाभ दे, लेकिन बस एक सावधानी रखिएगा, जिन लोगों को सर आंख में कष्ट रहता है वो थोड़ा सा ध्यान दें और अपने धन को अच्छे से पकड़ के रखें। उपाय क्या करना है? इस दिन काले कपड़े में उड़द की दाल बांधकर उसका दान कर दें किसी भी जरूरतमंद को। कुंभ राशि, समय आपके लिए अच्छा है, अनुकूल है, मित्र बन सकते हैं, कुछ नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, आगे बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन अपने धन का ख्याल रखिएगा, गुस्से में आके या भावावेश में आकर न किसी से कुछ लीजिएगा न किसी को कुछ दीजिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान अवश्य करें। मीन राशि, भाग्य पक्ष अच्छा है, इसलिए मेहनत से आगे बढ़ते रहिए, आपको लाभ होगा। इस दिन आपकी मेहनत कंटिन्यूअस होनी चाहिए, बाधाएं आए तो भी आप उससे प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ते रहें। बस एक छोटी सी सावधानी बरतनी होगी और वह उनको बरतनी होगी जो कीमती सामान लेकर साथ चलते हैं। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम रुद्राय नमः का आप जप जरूर करिएगा और 8 वर्ष से छोटी किसी कन्या को कुछ खाने के लिए सेवा भाव से अवश्य दीजिएगा। तो दिन को अच्छा बनाने के उपाय आपने गुरुजी से जान लिए, क्या सावधानियां आपको रखनी है वो आप जरूर रखिएगा, गुरुजी ने आपको बताई हैं। और अब हम जानेंगे वो विचार जो हम सबका दिन बना देता है। गुरुजी आज का विचार, एक महर्षि रमण हुए हैं, आधुनिक भारत में ही हैं जी, और उनको महर्षि का दर्जा प्राप्त है और उनके जो विचार हैं वो बड़े अनुपम हैं। उन्हीं का एक विचार मैं आपको बताता हूं। महर्षि रमण कहते हैं, सबसे उत्कृष्ट दान है ज्ञान दान। आज के समय की आवश्यकता है बड़ी पीढ़ी को, युवाओं और बच्चों को सही ज्ञान देना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण दान कहा है महर्षि रमण ने। बहुत ही उत्तम गुरुजी, और ज्ञान को ही एक ऐसी पूंजी माना गया है जो बांटने से बढ़ती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। प्रभु आपका दिन शुभ करे, आपके घर में खूब सुख शांति आए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।